हमारा नेता कैसा होना चाहिए, किसकी बनेगी सरकार। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि अगले 5 साल तक सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठकर राज करेगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्ता की कमान कौन संभालेगा। लेकिन चुनाव के नतीजे आने से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी जीत हार का गुणा भाग तय करने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार करीब 72 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वही कांग्रेस 65 सीट पर अपनी जीत पक्की मान रही है। लेकिन इस बार करीब 47 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। भाजपा की बात करें तो इन सीटों में से भाजपा को बहुमत तक पहुंचने के लिए करीब 28 सीटें जीतनी होगी और कांग्रेस को करीब 35। लेकिन इस बार 25 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस का आकलन ये भी कहता है कि इस बार करीब 15 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। दोनों मुख्य दल भाजपा और कांग्रेस अपनी जीत हार के अंतर का अनुमान लगा रहे हैं। अगर उन 47 सीटों की बात करें जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, तो कांग्रेस पार्टी का अनुमान ये कहता है कि उन 47 सीटों में से कम 70% समीकरण पार्टी के पक्ष में है। वही अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी को उम्मीद है कि उन 47 सीटों में से पार्टी को कम से कम 60% पर जीत मिलेगी। बात करें 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो आपको बता दें उस समय 29 सीटों पर जीत का अंतर 4000 वोटों से कम रहा था, जिसमें से भाजपा ने 14 और कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी और 3 सीटें दूसरी पार्टियों को मिली थी। 25 नवंबर को राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान हुआ। उस दिन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे और उस दिन पता चल जाएगा कि आने वाले 5 साल तक सत्ता की कमान, सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा। जनता का समर्थन जिसको भारी मतों से जाएगा, सत्ता की कुर्सी पर जीत के साथ लौटकर वही आएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।